एक और बैड न्यूज है कि साहिल को भी अब चिकन पॉक्स स्टार्ट होने लग गया सो सो हे गाइस गाइस हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सौरभ जोशी और साहिल जोशी ब्लॉक्स के बारे में तो गाइस आपको पता हो कि हाल ही में सौरभ जोशी को चिकन पॉक्स हो गया था जिसके बाद वो कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाए थे उनकी हालत काफी खराब थी उनके मतलब शरीर में दाने दाने हो गए थे लेकिन कुछ दिनों के बाद सौरभ जोशी ठीक हो गए थे लेकिन दोस्तों अभी बड़ी खबर आ रही है की अब साहिल जोशी को भी चिकन पॉक्स हो गया है और अब साहिल जोशी को भी फेस पे और उनके मतलब बॉडी पर दाने हो रहे हैं जिसकी वजह से साहिल जोशी को भी अब कुछ दिनों के लिए घर में ही रहना पड़ेगा

खिला तो भी नहीं 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 जाएगा गाइस ये ये तो 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 बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था साहिल साहिल मेरे पास भी आया यार को पता कैसे हो गया चिकन चिकन पॉक्स दोस्तों पॉक्स बीमारी बहुत ही खराब होती है एक बार मुझे बचपन में हो गई थी तो मैं फील कर सकता हूँ क्या हालत हो जाती है आप लोगों को खाना खाने में बैठने में उठने में काफी तकलीफ होती है क्योंकि पूरी बॉडी में दाने दाने हो जाते हैं और काफी दर्द भी होता है बॉडी में खुजली भी आती है लेकिन हम लोग खुजला नहीं सकते ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इस बीमारी में तो उम्मीद करते हैं कि साहिल जोशी इस बीमारी से जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे बाकी दोस्तों स्टूडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में